मिर्चा। आज हम रस्क की बर्फ़ी बनाने के लिए जा रहे हैं। रस्क को हम पापे भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह बर्फ़ी आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए फिर बनाते हैं रस्क की बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ 6 रस्क लिए हैं और इसे हम ग्राइंडर जार में हमने पीस लिया है। चलिए फिर बनाते हैं। यह देखिए, हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें पीसी हुई जो रस्क है वो डालेंगे, घी जब गर्म हो जाएगी तो। अब हम इसे 1 मिनट तक भूज लेंगे। इसी तरीके से 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में 1 गिलास दूध डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसे चलाते रहेंगे। हमने दूध जो है इस गिलास से लिया है, इसे चलाएंगे। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम चलाएंगे। इसी दूध में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे मिलाएंगे और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। यह देखिए दूध हमारी उबलने लगी है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी मलाई डालेंगे। यह देखिए, इसे भी हम इसी तरह से चलाएंगे, इसी में मिला लेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं। यह देखिए, हमारा दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। यह देखिए, इसे हम मिला लेंगे। अब ये जो रस्क हमने पीस कर रखे हैं इसे भी हम डाल देंगे। इसे मिलाएंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब हम हमारा जो ये पेस्ट है इस तरीके से बन जाए तब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। चलिए अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमने डो को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और डो जो है ठंडा हो गया है। चलिए अब इसे हम कट करते हैं। लेक निकालते हैं। यह देखिए, हमारी बर्फी जो है तैयार हो चुकी है।
इस तरीके से हम सभी पीस को कट कर लेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी रस की बर्फी तैयार हो गई है। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।